हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं परमल की सब्जी बनाऊंगी बिल्कुल अलग तरीके की। आज मैं परमल आलू की डिलीशियस सब्जी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो परमल लिए हैं जिनको अच्छे से धुल लिया है, 3 प्याज लिए हैं, काफ़ी सारा लहसुन लिया है और 2 टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च। परमल के हम 4 भाग कर लेंगे और उसको काट लेंगे और जो मोटे मोटे बीज हैं वो निकाल देंगे। ये हमने 2 आलू लिए हुए हैं, इसको काट लिया है पतला पतला, इसको भी हम जो है भून लेंगे। ये जो हमने 3 प्याज लिए थे उसको अच्छी तरह से काट लिया है। ये हरी मिर्च है 4, ये लहसुन है कम से कम 1 टेबल स्पून, 1 बड़ी चम्मच, थोड़ा सा अदरक है उसे क्रश कर लिया है, ये 2 टमाटर हैं इसको हमने बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और ये हल्दी है, ये है 1 टीस्पून गरम मसाला बहुत थोड़ा सा, और ये है सब्जी मसाला 1 चम्मच 1 टीस्पून। मैंने जितने भी मसाले यूज़ किए वो कैच के यूज़ किए हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम परमल को जो है भून लेंगे, उसके लिए हमने तेल डाला है, अब हम इसमें परमल डाल देंगे और इसके साथ ही साथ इसमें हम नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच के लगभग, जिससे कि इसमें नमक हो जाए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हमें भूनना है अच्छी तरह से, जिससे कि जो इसका बाहरी जो कवर है ये सॉफ्ट हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। हमारे जो परमल हैं अच्छी तरह से भुन गए हैं, इस तरह से सिकुड़ जाने चाहिए ये। नमक हमने इसलिए पहले डाल दिया था जिससे कि नमक का टेस्ट इसमें आ जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे। परमल को भूनने से, परमल की जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो उसकी खुशबू आती है वो अलग तरह की आती है। वैसे तो हम कच्चे भी बनाते हैं लेकिन कच्चे में परमल का वो टेस्ट नहीं आता जो भुने हुए परमल में आता है। इसकी हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। वो भी हमें परमल की तरह ही भून लेना है। ऑयल हमें और डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल है हमारे पास पहले से ही। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि जो नमक का जो टेस्ट है वो आलू के अंदर तक चला जाए। इसलिए हम बाद में सब्जी बनाते टाइम बहुत कम नमक डालेंगे, ना के बराबर। इसको भी हम तेज आंच पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम भून लेंगे। आलू जो है हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि वैसे भी जब हम इसकी ग्रेवी पकाएंगे तो उसमें भी ये पक जाएगा। इस तरह से जब ये ब्राउन हो जाए तब हम निकाल लेंगे। आप देखिए जितना भी हमने ऑयल इसमें डाला था वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, सारा का सारा इसमें है। तो हमें और ज़्यादा तेल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इतने ही तेल में हमारा हो जाएगा जब आप फ्राई करें। तो अगर आपको तेल ज़्यादा लगे तो आप इसको जो है कम कर लीजिएगा। ये जीरा है 1/2 चम्मच, ये हम डाल देंगे। तेल हमारा गरम है ऑलरेडी। और ये हींग है, हींग जो है ज़रूर डालिएगा क्योंकि हींग से टेस्ट अच्छा आता है इसका। हींग तो मैं वैसे भी सारी सब्जियों में यूज़ करती हूँ क्योंकि हींग जो है खाने को बहुत डाइजेस्टिव बना देती है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अदरक, और ये लहसुन है, सॉटे करेंगे जिससे कि ये मुरझा जाए और गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, क्योंकि इसको हम थोड़ा और भूनेंगे।
अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ये हमारा प्याज देखिए कितनी अच्छी तरह से भून चुका है। इस तरह से हम इसे ब्राउन करेंगे। सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला बहुत थोड़ा सा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि हमारा मसाला अच्छे तरह से पक जाए और जले नहीं। ये हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम जो है इस मसाले को भून लेंगे प्याज के साथ में। एक मिनट में ही हमारा ये मसाला भून जाएगा। अब जो है इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर, दो टमाटर लिए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। और इसको हम ढक के पका लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि हमारा टमाटर पक जाए। और हमें ग्रेवी में भी नमक चाहिए। अब हम टमाटर को गला लेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा टमाटर पका कि नहीं। पक गया है ये। अब इसको इस तरह से मैश कर लेना है अच्छी तरह से, जिससे कि अच्छे से मसाले में भीग जाए। जब भी हम कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेना चाहिए हमको। उससे जो उसका ग्रेवी है वो बहुत अच्छा बनता है। और जब हम सूखी सब्जियां बनाते हैं तो हमें कभी भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैश नहीं करनी चाहिए, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, कोई भी चीज़ हो। हमारे ग्रेवी के लिए मसाला हमारा तैयार है। ठीक है, अब हम इसमें आलू और परवल डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हम कम करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे, जिससे कि मसाले की खुशबू हमारे आलू और पमल में आ जाए। 5 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब जो है हम इसे देख लेते हैं। हमने इसको बिल्कुल धीमे आंच पे रखा था। ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे जो है मसाला जो है सब्जी के अंदर तक चला जाता है, उसका टेस्ट आ जाता है, तो ज़रूरी है। नमक हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हम पहले 2 बार नमक डाल चुके थे, परवल में भी, आलू में भी। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। आप चाहें तो इसी तरीके से सूखी भी इसे बना सकते हैं, इसको पका सकते हैं। पानी डालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ। ग्रेवी भी आप अपने हिसाब से पतला रख सकते हैं, गाढ़ा रख सकते हैं। मुझे पतली ग्रेवी पसंद है तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। अभी मैं पैन में बना रही हूँ इसे, इस कढ़ाई में, लेकिन मैं ज़्यादातर इसे कुकर में बनाना पसंद करती हूँ, जितनी भी ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती हैं। थोड़ा पानी और डालेंगे
इस तरह का हम रखेंगे ग्रेवी इसका। ये भी देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, अभी जब ये पकेगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। आलू हमारा पहले से कुक है आधा, ये देखिए थोड़ा और पकाना है। परमल हमारा पहले से पका हुआ है, इतना हमने ग्रेवी रखा हुआ है इसमें। अब हम इसे ढक के पका लेंगे जब तक ये पूरी तरह से आलू पक नहीं जाता। दस मिनट के करीब हो गया है, अब हम देख लेते हैं सब्जी। देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है इसकी। जब हम इस तरह से ग्रेवी बनाते हैं, प्याज वगैरह काट के बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा खाना होता है बहुत लाइट बनता है, इसको हम कितना भी खा सकते हैं। और जो पीस के बनाते हैं उसमें जो ग्रेवी होती है बहुत रिच हो जाती है, जिसकी वजह से वो नुकसान भी करती है और हम ज़्यादा भी नहीं खा सकते। परमल देखिए हमने फ्राई किए थे, बिल्कुल श्रिंक हो गए थे, सिकुड़ गए थे, लेकिन अभी हमने इसको ढक दिया तो फिर से वापस से पहले जैसे हो गए हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि अब इसमें जो है मसालों का फ्लेवर चला गया है अच्छे तरह से, तो इसलिए हमने इसे फ्राई किया था पहले। हमारा जो है परमल की सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार है। इसको हम चपाती के साथ, राइस के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी।